is Vishnu Gansing. Welcome to Alinea Admission Media. Today we're gonna discuss about the rules and regulation as well as the eligibility criteria for the special study round. बात करेंगे मेनली आपके स्पेशल स्टडी राउंड जो आपको ऑलरेडी एमसीसी पे अनाउंस किया गया, एमसीसी की वेबसाइट पे अनाउंस किया गया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी कोटा क्या रहेगा, कौन से वो डॉक्टर्स रहेंगे जो एलिजिबल रहेंगे PG22 में सीट्स लेने के लिए, प्लस कहाँ पे कितनी सीटें बची इसका तो आइडिया नहीं लगा है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीटें हैं नहीं है, बाकी स्टेट्स की सीटों का क्या किया जाएगा, क्या प्रोसीडिंग होगी, कैसे आपको प्रोसीड कर सकते हो, और अगर अभी भी आप जो PG22 के अंदर कंफर्म सीटें देख रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, या आपके पोस्टपोनमेंट के लिए भी डिस्कशन करेंगे कि क्या PG23 का, जिसके लिए ऑलरेडी 2nd of January हो चुका है और अभी तक कोई एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं आया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आई है, तो क्या चांसेस है पोस्टपोनमेंट पे की, इन तमाम चीजों के लिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगी अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है पीजी से रिलेटेड या PG23 से रिलेटेड वो कंटिन्यूअसली हम अपने टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया पे भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो एडमिशन मीडिया के नेम से उससे भी ज्वाइन करके रख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्पेशल स्टडी राउंड के लिए, या रजिस्ट्रेशन ओपन है या नहीं है, तो पहले मैं बता दूं फर्स्ट आंसर इज दैट रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को पेमेंट करके आप काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हो। डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 6th to 8th of January का टाइम है, इसमें आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट इज टू बी पेड मेनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अंडर ऑल इंडिया काउंसलिंग बट हैवंट पेड देयर सिक्योरिटी अमाउंट, इट्स फॉर ओनली दोज। इफ यू हैव ऑलरेडी पेड योर सिक्योरिटी अमाउंट देन यू डोंट हैव टू पे इट अगेन as there is no fresh registration, so those candidates who haven't eligible or who was eligible but didn't apply yet will be not participating in this counseling. वहीं पर अगर मैं eligibility की बात करूं तो अगर आपको all India round में mock up के अंदर या stray round के अंदर सीटें मिल चुकी हैं, whether आपने joining की है नहीं joining की है doesn't matter, आप special stray round के लिए non eligible रहते हो। reason मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मुझसे, डिस्कशन भी हो रहा है कॉन्टिन्यूसली कि सर ऑलरेडी सीट मिली थी लेकिन मैं एलिजिबल हूं, कोई रूल नहीं मेंशन है, तो मैं यहां पे आपको क्लियरिटी देता हूं। ऑलरेडी एक बेसिक सा रूल है पहले का भी कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप के अंदर कोई सीट मिल जाती है, जी हाँ ध्यान से समझे, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट एनी काइंड ऑफ अलॉटमेंट इन टू ऑल इंडिया मॉपअप राउंड देन यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड। In the same way, if you have already got any kind of allotment in your NEET PG22 stray round, then you will be non-eligible for NEET PG22 special stray round. जी हाँ, इसीलिए मैं आपको continuously बोल रहा हूँ, जिनसे मेरी बात हो रही है, जिससे discussion भी हो रही है, मैं यही समझा रहा हूँ कि already एक basic सा rule चला रहा है, वही rule को यहाँ पे भी put up किया जाएगा कि अगर आपको already seat मिल चुकी है, आपने joining किया नहीं joining किया that doesn't matter, आप यहां पे नॉन एलिजिबल रहोगे। यहां पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि उसकी भी मैं बात करूं, यहां पे एक ऑलरेडी 10 times ऑफ लिस्ट शेयर की जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को, और एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर लास्ट ईयर तो नीट एसएस के अंदर दैट इज सुपर स्पेशलिटी के अंदर कोई कट ऑफ कोई नहीं, कट ऑफ बैरियर को वेब ऑफ कर दिया गया था और सारे बच्चे अप्लाई कर दिए करके सीटें ले सकते थे, बट नॉन एलिजिबल भी सीटें ले सकते थे। मैं आपको यहां पे बता दूं, जो बच्चे ऑलरेडी एलिजिबल हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन विंडो नहीं ओपन किया गया है, तो आप खुद समझ सकते हो कि नॉन एलिजिबल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या चॉइसेस या ऑप्शंस कहाँ से हो सकते हैं। जो लोग आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको अट्रैक्टिव मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि नॉन एलिजिबल हो या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी आपको सीट मिल जाएगी, तो मैं आपको बता दूं ये लिस्ट जो शेयर की जाएगी 10th of January को शेयर की जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसा कि आपका स्ट्रे राउंड के अंदर होता है। मेनली इसमें उन बच्चों का नेम रहेगा जो 6th to 8th में अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, और 10th को अगर इनको ऑल इंडिया गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, वेदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, जी हाँ वेदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल अगर आपको कोई टाइप की सीट अलॉटमेंट नहीं होती है इस ऑनलाइन राउंड के अंदर, तो उसमें जो बच्चे बचे रहेंगे उन बच्चों की नेम आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर किया जाएगा, और आप फिर फिजिकली जाके डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसा कि स्ट्रे राउंड में आपने किया था। लेकिन एक बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो क्या क्लिनिकल सीटें बची हैं? जी हाँ,
बहुत लिमिटेड, मतलब टॉपर क्लिनिकल आप देख रहे हो तो डीम यूनिवर्सिटीज में बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि कहीं पे कोई भी सीटें अवेलेबल हो, क्योंकि इसके पहले जब आपका स्ट्रे राउंड हुआ था तो ऑलरेडी डीम्ड का आपका जो स्ट्रे राउंड होता है वो आपका टोटली ऑफलाइन वे में होता है। और व्हाट डीम्ड यूनिवर्सिटीज डज कि जो भी इनकी सीटें बची होती हैं या जो भी सीटें होती हैं आखिरी मोमेंट पे नेगोशिएशन करके ये अलॉटमेंट करा देते हैं। अलॉटमेंट के बाद अगर किसी बच्चे ने, जी हाँ ध्यान से समझे, अलॉटमेंट के बाद अगर किसी डॉक्टर ने सीटें वैकेंट की होगी या सीटें ड्रॉप की होगी, सिर्फ वही सीटें बच के आने की उम्मीद है, बाकी कोई सीट बची नहीं थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्पेशली फॉर द क्लिनिकल एज वेल एज अपर क्लिनिकल। हो सकता है कुछ एक यूनिवर्सिटीज के अंदर एनेस्थीसिया, ENT और एक दो और ब्रांचेस की सीटें आ सकती हैं, लेकिन बजट क्या होगा, मेनली वो NRI कोटा की सीटें आएंगी, उसके लिए बजट क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग कैसे करनी है, या आपको कौन से स्टेट्स में, पहले उससे स्टेट की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ और स्टेट्स भी हैं जैसे आपकी ऑल इंडिया के अंदर सीटें बची हुई हैं, पॉसिबिलिटीज ये लगाई जा रही हैं, कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि 10th to 14th तक आपके अलग अलग स्टेट्स भी काउंसलिंग अपनी स्टार्ट करें, जो उनकी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि सारे स्टेट्स भी अपनी काउंसलिंग एक बार फिर से करा सकते हैं इन द पीरियड टाइम ऑफ 10th to 14th, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी 10 को ज्वाइनिंग अलॉटमेंट मिल जाता है इन दैट केस यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द स्टेट्स राउंड। अगर स्टेट्स के राउंड होते हैं कुछ दिन में आपका नोटिफिकेशन एज वेल एज आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी, तो बने रहे चैनल पे, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, हम पोस्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अभी भी अगर आप PG22 के अंदर क्लिनिकल सीटें देख रहे हो या अगर बड़े ब्रांचेस देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 2-3% ही आप लेके चलो, और वो भी तब आपको हो सकता है, सिर्फ दो केस हो सकता है, या तो आपके रैंक बहुत अच्छे हों, दूसरा अगर आपके बजट बहुत अच्छे हैं तभी पॉसिबिलिटीज होगी स्टेट प्राइवेट एज वेल एज डीम्ड के अंदर, क्योंकि सीटें कहीं बच के नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कहीं पे कोई सीट वैकेंट हुई होगी तो वहां पे आपके एडमिशंस किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टेट्स की तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज जरूर हैं कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आपका एक राउंड कराया जाएगा, जिस पे अगर किसी भी स्टेट के अंदर, ये टोटली स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वहां पे प्रॉपर अमाउंट में सीटें बची और वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना तो इन फ्यूचर आने की उम्मीद दिख रही है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपने सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे किया था, तभी आप ऑल इंडिया स्पेशल स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन केस अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था और आपने मॉपअप देखा, स्ट्रे देखा, कोई सीट नहीं अलॉटमेंट हुई है, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी के बिहाफ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पेमेंट करना भूल गए थे, हिंदी और ऑल इंडिया का किया था और डीम्ड का नहीं किया था, तो वो इंटरचेंज करने का एक ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पे। इससे ज्यादा फ्रेश रजिस्ट्रेशन की उम्मीद नहीं है अगर आप PG22 में नॉन एलिजिबल हो, या अगर आप किसी वजह से सीटें अभी तक नहीं ले पाए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नो डाउट ट्राई कर सकते हो, लेकिन उम्मीद ना लेके चलो कि आपको सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि सीटों की काउंटिंग एक बार जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको आइडिया लग जाएगा। क्लिनिकल सीटें बहुत ज्यादा लिमिटेड है, स्पेशली अपर क्लिनिकल तो बहुत ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो 1-2 सीटें अगर पूरे स्टेट में आ जाए तो बड़ी बात होगी, अदरवाइज उम्मीद नहीं है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा या मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप PG23 की प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग रखो, अभी तक पोस्टपोनमेंट की कोई न्यूज नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि XYZ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टिल नाउ 2nd of January तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आई है। इन केस अगर पोस्टपोनमेंट के कोई पॉसिबल चांसेस दिखते हैं या कुछ उम्मीद दिखती है तो हम जरूर आपको इंश्योर करेंगे, जरूर वीडियोस उस पर पोस्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए किसी भी र्यूमर पे या किसी भी बातों पे बिलीव ना करें, क्योंकि हम भी आपको यही बोलते आ रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस अभी तक के अकॉर्डिंग बहुत मिनिमम है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करते रहो, क्योंकि PG23 आपका लास्ट एंड नीट PG होने जा रहा है। जी हाँ, इट्स ऑलरेडी अ फेयरवेल ऑफ PG23, इसके बाद आपका नीट PG ना होके नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, कितनी सीटें इंक्रीज होंगी, कितनी चीजें आने वाली हैं, कौन से ब्रांचेज आपको किस बजट में मिल सकती हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम नीट है, इसके बाद आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, और नेक्स्ट में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, या इस अपकमिंग सीजन में क्या बजट हो सकता है, इन चीजों का आप एक आइडिया लगा सकते हो, या डिमांड कितना हो सकता है इसके बारे में भी आप सोच सकते हो, क्योंकि इस मोमेंट पे
हर कोई बच्चा यही चाहेगा कि उसको सीट मिल जाए, क्योंकि कोई भी 6 एमसीक्यू पेपर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रोसेडिंग कैसे करना है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हो। ऑलरेडी स्लॉट्स हमने ओपन रखे हैं, आप उसकी बुकिंग ऑलरेडी हमारी ऑनगोइंग है, आप पेमेंट करके आप अपने लिए स्लॉट बुक करके रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।